बच्ची रहा करती थी। करिश्मा के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था और करिश्मा गांव के मंदिर के पास रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे दो वक्त का खाना दे दिया करते थे और मंदिर के पुजारी जी ने उसके मंदिर में रहने और सोने की व्यवस्था कर दी थी। अरे करिश्मा बेटा, आज सुबह से इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं काका, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, सब लोग अपने भाई को राखी बांधेंगे, लेकिन मैं तो दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऊपर वाला है ना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन भगवान असल में थोड़ी ना होते काका, भला वो मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे बिटिया, ऐसे नहीं कहते, भगवान तो सब जगह होते हैं, और देखना वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेंगे। पुजारी जी के जाने के बाद करिश्मा उदास होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद मंदिर में एक साधु आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अरे तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, ये देखो मेरे पास एक बहुत सुंदर फूल है, तुम इसमें धागा पिरोकर भगवान के हाथ पर राखी की तरह बांध देना। लेकिन उससे क्या होगा बाबा? उससे कुछ होगा नहीं बेटा, बस तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, रक्षाबंधन वाले दिन सुबह नहा धोकर मंदिर की जो मूर्ति है उस पर फूल की राखी बनाकर बांध देना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अब तो करिश्मा बस हर दिन रक्षाबंधन के दिन का इंतजार करने लगी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए और रक्षाबंधन आ गया। करिश्मा सुबह सुबह नहाकर उस फूल में धागा पिरोकर भगवान के मंदिर पहुंची और उसने वो राखी भगवान की मूर्ति को बांध दी। ठीक उसी वक्त वहां पर करिश्मा से कुछ साल बड़ा एक लड़का आया और उसने अपना नाम किशन बताया। अरे करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है, क्या ऐसी राखी तुम मेरी कलाई पर भी बांध सकती हो? वो क्या है ना, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन ये राखी में जो फूल लगा हुआ है वो मुझे किसी साधु बाबा ने दिया था और मेरे पास दूसरा कोई फूल नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई राखी ही चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। अब मैं क्या करूं, भगवान ने बड़ी मुश्किल से मेरे जीवन में किसी को भेजा है, अगर मैंने किशन को राखी नहीं बांधी तो वो नाराज होकर चला जाएगा। सोचते सोचते करिश्मा मंदिर के बगीचे में पहुंची और वहां से उसने फूलों की मदद से एक सुंदर सी राखी बनाई और मंदिर में पहुंची। ये देखो किशन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राखी बनाई है। नहीं, मुझे वही राखी चाहिए जो तुमने भगवान को बांधी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो राखी तो मैं भगवान की मूर्ति को बांध चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, वहाँ से वो राखी उतार कर तुम मुझे बांध लो, और ये जो नई राखी तुमने बनाई है वो ले जाकर भगवान को बांध दो। किशन के बार बार जिद करने पर करिश्मा ने ऐसा ही किया। जैसे ही करिश्मा ने किशन की कलाई पर राखी बांधी, देखो अब तुम्हें मुझसे कोई गिफ्ट लेना होगा, जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो बदले में उसे कोई ना कोई तोहफा लेना ही पड़ता है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब से तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हारे नए घर में लेकर चलता हूँ। करिश्मा किशन के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर सा छोटा सा घर बना हुआ था। देखो करिश्मा, आज से ये तुम्हारा घर है, ये समझ लो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। ये घर तो बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल रह सकती हो। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है और करिश्मा अपने घर में रहने लगती है। उस घर में खाने पीने की सारी चीजें थी। करिश्मा बहुत खुश थी और गांव के लोग भी खुश थे। करिश्मा को रहने के लिए एक जगह जो मिल गई। कुछ दिनों के बाद किशन करिश्मा के घर आता है। देखो करिश्मा, ये तो जादू हो गया, तुम्हारी बनाई हुई राखी तो सोने के कंगन में बदल गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने जो राखी बांधी थी वो तो एक साधारण सा फूल था। नहीं करिश्मा, वो कोई साधारण फूल नहीं था, अगर ऐसा होता तो वो सोने का कंगन नहीं बन जाता। लगता है ये साधु बाबा का ही जादू है, उन्होंने ही मुझे वो जादुई राखी दी थी। लेकिन मैं सोने के कंगन का क्या करूंगा, तुम इसे अपने पास रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं।
किशन वो सोने का कंगन करिश्मा को देकर वापस चला जाता है। करिश्मा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो सोने के कंगन का क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। करिश्मा सोने की कंगन को बेचकर पैसे ले आती है और उन पैसों से उसने राखी बनाने का सामान खरीद लिया। इस तरह उसने अपनी एक राखी की दुकान खोली। अरे वाह करिश्मा, तुम्हारी राखी तो बहुत सुंदर है। सारी राखियां मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है, तुम्हारी राखी बहुत सस्ती और सुंदर है। सही कह रहे हो भाई, करिश्मा की बनाई हुई राखियां इतनी खूबसूरत होती है कि हम जिसे भी देते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब दूर दूर से लोग करिश्मा की बनाई हुई राखियां खरीदने आने लगे और करिश्मा की राखियों की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। एक दिन फिर से किशन लौट कर आता है। करिश्मा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। हाँ बताओ ना भैया, क्या बात है? देखो करिश्मा, मैं उन साधु बाबा का ही एक शिष्य हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते थे कि तुम कितनी ईमानदार हो, इसीलिए वो सोने का कंगन मैंने तुम्हें दिया था और तुमने उस सोने के कंगन का उपयोग एक अच्छे काम में किया है। इसलिए साधु बाबा और मैं, हम दोनों ही तुमसे बहुत खुश हैं और हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आने वाले जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किशन भैया, तुम्हारे जैसा भाई और साधु बाबा जैसे गुरु पाकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई जादुई राखी ने सच में मेरा जीवन बदल दिया।